तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमने अमेजोन से एक और पार्सल ऑर्डर किया था, आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। तो अभी आपको पता ही होगा कि मेरे पिछले अपडेट में कि मेरे जीटी का 2 एक्सीडेंट हुआ था, जिससे दूसरे एक्सीडेंट में 12 मिरर टूट गए थे। तो अभी ये मैंने आफ्टर मार्केट 12 मिरर मंगाए हैं। तो इसमें आपको 4 स्क्रूज मिलते हैं, 2 साइड बोल्ट के लिए और 2 के लिए इसको टाइट करने के लिए। इसको देखिए भाई, ओहो बहुत शानदार भाई, काफ़ी बड़े बड़े मिरर्स हैं। और रॉयल इनफील्ड की जो जेन्युइन 12 मिरर आते हैं, सेम उनका रेप्लिका है। ये रॉयल इनफील्ड का ऑफिशियल एसेसरी नहीं है, ये मुझे अमेजोन पे करीब करीब 2000 रुपये के पड़े हैं। बॉक्स पे इनका प्राइस 3000 रुपये लिखा हुआ है, और आपको बाकी और भी जगह पे ये आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएंगे। तो सही है, अपना काम सस्ते में हो रहा है। मतलब जो भी देखेगा तो ये तो नहीं बोलेगा भाई की आफ्टर मार्केट है, क्योंकि इनको पूरा इनका प्रॉपर अच्छे से रेप्लिका बनाया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इनको अपनी जीटी में लगाते हैं और देखते हैं कैसा लुक आता है। चलिए इन मिरर्स को खोला जाए, बहुत सिंपल है। ये जो लेफ्ट साइड का है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और राइट साइड वाला क्लॉकवाइज घूमेगा। अपने दोनों स्टॉक मिरर बाहर आ चुके हैं, अब इन्हें मैं दोबारा से पैक करके रख देता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर क्या पता अगर दोबारा से एक्सीडेंट हो तो स्टॉक मिरर ही काम आते हैं, तो इन्हें वापस से लगा दिया जाएगा। तो चलिए अब ये साइड साइड के बार एंड्स खोले जाएँ, इसके लिए आपको लगेगी 5 mm की एलन की। तो इन्हें खोलते हैं। ये रॉयल एनफील्ड के जो बारिंग के जो बोल्ट होते हैं उनको खोलने के लिए आपको ये फोल्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि ये जब आप खोलते तो उसके साथ साथ ये भी रोटेट करते हैं। इनमें जो ये आफ्टर मार्केट बारिंग मिरर आए हैं, इन पे देखना ये है कि उसमें जो सेंटर में आप देखते होंगे तो एक मेटल पीस लगा हुआ है। अब वो मेटल पीस इसमें सीधा सीधा जाएगा तो नहीं, क्योंकि जो ये जो जीटी के साथ आते हैं इनमें ये यहाँ पे सेंटर पे कटिंग होती है, तो ये जा कर के जीटी और इंटरसेप्टर के में सेंटर में फिट होता है। तो चेक ये करना पड़ेगा कि वो चीज़ उससे निकल करके ये चीज़ उसमें लगती है कि नहीं। ये तो ये जो आफ्टर मार्केट बार एंड मिरर आए हैं, तो इन पे आप ये देख रहे होंगे कि सेंटर पे ये मेटल का पीस लगा हुआ है। तो इसको आप कोई स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको आप निकाल लीजिए, ये बड़े ही आराम से निकल आता है। और फिर इसको निकालने के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। हाँ जी, तो अभी ये मेटल पीसेस से मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अभी मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो रिंग है, तो अभी जो जीटी में पहले से एंड पे जो ये स्पेसर आता है तो ये इस पर फिट नहीं हो रहा है। तो ये स्पेसर जो है बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा आपको खींच करके इसको इसके अंदर डालना रहेगा, तभी जा करके प्रॉपरली इसमें फिट होगा। तो मैंने इसका एक अल्टरनेटिव क्या निकाला है ना, तो जो मेरे पास पुराने जो सस्ते 12 मिरर थे मेरे, तो उनका मैंने ये स्पेसर निकाला जो कि इसमें परफेक्टली फिट हो जाता है। तो अभी मैं इसको ऐसे करके उसमें राइट साइड में लगाता हूँ और देखता हूँ कैसा लुक आता है। ओके, तो चलिए वहाँ पे स्विच करते हैं उस व्यू पे। हाँ जी गाइस, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने ये 12 मिरर इसमें लगा दिया है, हालांकि अभी थोड़ा लूज़ है तो इसको अभी मैं टाइट करके देखूँगा कि परफेक्ट फिट आता है कि नहीं आता है। तो अभी जो मैंने आइडिया लगाया था कि जो स्पेसर्स होते हैं, तो ये जीटी का में जो पहले से आता है वो वाला है, और जो ये मेरे जो दूसरे मिरर थे उनका था, तो इन दोनों में से कोई भी काम नहीं आया। तो
मैंने क्या किया कि जो इसके साथ ये मेटल पीस आया था, तो इसमें ही एक ऊपर पे एक मेटल का स्पेसर था, तो मैंने उसको यूज़ करके इसके अंदर डाल दिया है। तो ये अभी परफेक्टली फिट आ गया है। तो अभी मैं यहाँ पे इसका बार एंड का जो नॉब होता है उसको मैं लगा देता हूँ, और फिर इसको टाइट करके देखता हूँ कि प्रॉपरली टाइट होता है कि नहीं होता। हालांकि मेरे ये जो नॉब हैं, सिल्वर नॉब्स जो होते हैं, जो GT के साथ स्टॉक आते हैं, ये भी ख़राब ही हो गए हैं। तो जब मैंने पिछली बार निकाला था तो इसमें बहुत सारे मार्क्स आ गए थे, तो इसको भी बाद में बार एंड नॉब्स अगर बजट बैठा तो वो भी मंगा लिया जाएगा, पर फिलहाल के लिए अभी इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। आपको राइट साइड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका मिरर है वो आपके एक्सलरेटर से ना टच हो, ताकि आपका एक्सलरेटर लॉक ना होने पाए। तो ये लॉक नहीं हो रहा, तो अभी मैं इसको इस पोजीशन में टाइट कर देता हूँ। जी नहीं, ये बिल्कुल भी टाइट नहीं हो रहा, तो वो शायद मुझे इसके नीचे कुछ रबर का पीस लगाना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, शायद मेरे पास है। हाँ जी, तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि ये जो बार एंड की असेंबली है इसको थोड़ा सा बाहर निकाल करके इस पर मैं ये ग्रिप के लिए थोड़ा सा ये टेप यूज़ करूँगा। यहाँ आधा यहाँ पर लगा दूँगा और आधा दूसरी साइड लगा दूंगा, तो जिससे क्या होगा कि जो ये बार एंड मिरर, इसको लगाने के बाद ये इतना लूज़ होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही लूज़ है, तो इनमें कम से कम थोड़ी बहुत ग्रिप आ ही जाएगी। तो अभी इसको ट्राई करते हैं इसको। वैसे ये जो ग्रिप है बहुत मोटी है और इसमें बहुत इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो देखते हैं ये भी ट्राई करके कि अगर अपना। तो सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा कैमरा बंद हो गया था, तो अभी मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा रबर पैड लगा करके लगा दिया है। तो अब ये जो बार एंड मिरर है, राइट साइड का प्रॉपरली अंदर घुस चुका है, और ये जो अपना एक्स्ट्रा रबर पीस लगा हुआ है इसको काट देते हैं यहाँ से। और अब ये जो बार एंड की जो असेंबली थी इसको वापस अंदर डाल देते हैं। बॉडी से गले भाई, बार एंड की असेंबली भी अंदर आ चुकी है, अब इसे खोल लिया जाए। बहुत लंबा, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। मैं एक सेकेंड, फैन की बहुत आवाज़ आ रही होगी। अब अपन अपना बार एंड फिनिशर जो था स्टॉक वाला, उसको वापस लगा देते हैं। तो गाइस, मैं मतलब यही बोलूंगा कि आफ्टर मार्केट तो आफ्टर मार्केट ही होता है। अब मुझे ऑफिशियल का तो पता नहीं, शायद ऑफिशियल जो एसेसरी आती है शायद उसमें भी इतना मेहनत करना पड़े, बट
ये अपना यहाँ पे टाइट हो गया है। अब ये आप देख रहे हैं मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये इसके साथ साथ ये वाली असेंबली भी घूम रही है। तो यही है उस जो जिसमें ये फिट होता है उसका दिक्कत यही है। इसको अपन इस टाइट कर देते हैं। Yes, nice and tidy. अभी ये लेफ्ट साइड का प्रॉपरली फिक्स हो गया है, सेम चीज़ अभी मैं राइट साइड में भी करने वाला हूँ। ओह यस परफेक्ट भाई, बिल्कुल भी फोन नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं। यस ये अपना एकदम टाइटली फिट हो गया है यहाँ पे। चलिए तो अब सेम चीज़ मैं राइट साइड में करता हूँ, फिर मैं आपको बाइक का फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो यस बॉयज़ अपने दोनों साइड के बार एंड मिरर फिट हो चुके हैं और ये हिल भी नहीं रहे, अपने पोजिशन पर फिक्स है। इस बार मैंने ऊपर ही रखा है, नीचे नहीं रखा, क्योंकि भाई अपसाइड डाउन करेंगे तो टैंक पे लगेगा। मैंने इसको भी सेट करके चेक किया था तो ये पीछे ही आ रहे थे। अगर मुझे पीछे का व्यू देखना है तो मेरे को थोड़ा सा अपनी और ही खींच करके रखना था, क्योंकि इनका ऊपर घूमने का जो सिस्टम है वो सिर्फ इतना है, बट जो नीचे टिल्ट होने का है बस इतना ही है। तो अगर मैं इसको नीचे रखता तो ये नीचे की ओर कम टिल्ट हो रहे थे, इसलिए मैंने इस वजह से इसको ऊपर ही रखा। तो यस अब तो भाई ये एसेसरी ऐसी है कि मतलब रॉयल इनफील्ड के लोग खुद ही नहीं बोल सकते भाई कि ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू लाइक इट, डू गिव मी अ थम्स अप एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल दिस आफ्टर मार्केट एसेसरी। एंड दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स आफ्टर वन वीडियो, कम्प्लीट मेस। माई वर्क इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई बाइक side by side. So this is some look, and I'm also planning to buy the windscreen. तो अभी उसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे, देखते हैं कुछ आफ्टर मार्केट में ये भी अगर मिलता है सस्ते में तो करेंगे। बाकी क्योंकि मैं आफ्टर मार्केट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई रॉयल इनफील्ड की इतनी महंगी महंगी एसेसरी मंगाओ और जिसमें मतलब पेंट क्वालिटी भी ऐसी मिले तो भाई कोई मतलब नहीं है। इसलिए I am looking for the aftermarket accessories for my Rose A Continental GT. Okay, thanks for watching.